friends, today we are going to discuss about C4 cycle, means C4 pathway. इससे पहले C3 pathway discuss किया था, तो C3 pathway, C4 pathway and CAM pathway, ये जो तीन pathway हैं, ये actual में dark reaction, इन तीनों को मिला के dark reaction कहते हैं. और dark reaction में क्या होता है? Synthesis of the glucose. तो next part डार्क रिएक्शन का ही अगला जो वे है वो है C4 पाथवे. अब जो C4 पाथवे है इसको डिस्क्राइब किया, फर्स्ट डिस्कस अबाउट द C4 पाथवे. C4 पाथवे वाज डिस्क्राइब्ड बाय द हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं इसको, या साइकिल फॉर्म में आता है इसको, कौन हैच एंड स्लैग पाथवे और साइकल. अब इससे पहले C3 पाथवे देखा था, और C3 पाथवे जो एडेप्टेशन जिन प्लांट में हुआ था उनको अपन C3 प्लांट कहते हैं. तो इस अर्थ पर नियर अबाउट 80% तो C3 प्लांट ही है. C3 प्लांट में एडेप्टेशन हुआ C3 पाथवे के लिए, और 80% प्लांट इस अर्थ पर C3 प्लांट. अब नेक्स्ट C4 पाथवे जिन प्लांट में प्रेजेंट होगा, मींस वो प्लांट जो C4 पाथवे के लिए अडेप्ट होंगे, सो कॉल्ड C4 प्लांट. तो अब ये जो C4 पाथवे है, C4 पाथवे ये जो एडेप्टेशन है प्लांट का, ये कौन से प्लांट में हुआ? तो C4 पाथवे एडेप्टेशन फॉर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन जैसे एग्जांपल है इसका सवाना फॉरेस्ट. ये एक्चुअल में जो सबाना फॉरेस्ट है, तो इनमें क्या हुआ, इन फॉरेस्ट के जो प्लांट हैं उन प्लांट को C4 प्लांट कहा गया, और उनमें C4 पाथवे डेवलप हो गया. एडेप्टेशन जो हुआ वो C4 पाथवे के लिए हुआ, कौन से प्लांट में, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन जो सबाना है, यहाँ पर देखिए सवाना का एटमॉस्फेयर अपन देखते हैं, सवाना का एटमॉस्फेयर. तो यहाँ सवाना जो फॉरेस्ट हैं इनमें जो प्लांट है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, एक तो यहाँ हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्ड CO2 कंसंट्रेशन हाई है. तीन मतलब वहाँ के जो एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा है, हाई इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है सवाना के, जो सवाना का एटमॉस्फेयर है. तो उस एटमॉस्फेयर इमेजिन करें कि ये सवाना फॉरेस्ट है, और इन सवाना फॉरेस्ट में जो प्लांट है, यहाँ जो प्लांट है, चलिए प्लांट है, तो सवाना फॉरेस्ट के जो प्लांट हैं उन प्लांट में, जैसे ये प्लांट है, तो इन प्लांट की जो लीव्स हैं इनमें कुछ एडेप्टेशन हुआ है, इन प्लांट में कुछ तो स्पेशल है. अब मान के चलो इनकी लीव्स है, सवाना फॉरेस्ट में जो प्लांट हैं इन प्लांट को क्या नाम देते हैं, सवाना फॉरेस्ट में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, C4 प्लांट. C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं? C4 प्लांट की अगर अपन बात करें तो एडेप्टेशन फॉर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट है उन्हें C4 प्लांट बोलते हैं. C4 प्लांट कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल में देखते हैं, सुगर कैन, मेज,
मेज है, सॉर्गम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर तीन एग्जाम्पल अपन ले लिए सी फोर प्लांट के। तो वो प्लांट जो एडेप्टेशन हुए हैं सी फोर पाथवे के लिए, किस रीजन की वजह से, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन की वजह से, सबाना फॉरेस्ट है, तो उन फॉरेस्ट में हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी, CO2 कंसंट्रेशन हाई के लिए एडेप्टेशन होगा। अब उन जो प्लांट है सी फोर प्लांट, इनकी जो लीफ होती है, तो इसमें इन लीफ स्पेशल क्रैंच एनाटॉमी, स्पेशल क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। देखिए स्पेशल क्रैंच एनाटॉमी, ये जो क्रैंच एनाटॉमी है इसको थोड़ा सा याद रखें, स्पेशल क्रैंच एनाटॉमी, लीव्स इन प्लांट की लीव्स में स्पेशली एडेप्टेशन हुआ। तो ये जो सी फोर प्लांट हैं, इन सी फोर प्लांट में एडेप्टेशन फॉर सी फोर पाथवे क्या क्या होगा, यदि अपन एडेप्टेशन की बात करें यहाँ पर, एडेप्टेशन इन सी फोर प्लांट, देखिए एडेप्टेशन इन सी फोर प्लांट, सी फोर प्लांट में एडेप्टेशन सी फोर पाथवे के लिए क्या होगा। तो सी फोर पाथवे के लिए जो एडेप्टेशन होगा उसे देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले मैंने बात की थी लीफ की, तो लीफ में क्रैंच एनाटॉमी ये डेवलप होगा एडेप्टेशन, इस यानी सबसे पहला एडेप्टेशन हुआ नंबर वन क्रैंच एनाटॉमी लीव्स। ये क्या होती है, यदि अपन लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो जनरली लीफ जो होती है, इस लीफ में अपन देखें यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ, ये अपर और ये लोअर, बीच में भरा हुआ है क्या मेसोफिल सेल। तो क्रैंच एनाटॉमी में क्या होता है, इस लीफ में मेसोफिल सेल जनरली दो लेयर में डिफरेंशिएट होती है, अपर पैलिसेड इलोंगेटेड और स्पॉन्जी सेल, बीच में उनमें होता है कंडक्टिंग टिश्यू वैस्कुलर बंडल। तो इन क्रैंच एनाटॉमी में क्या होगा कि जो मेसोफिल सेल होती है डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल। तो क्या होता है इसमें, वो देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल, इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ यहां पर ये सेल्स की कई लेयर्स यहां डेवलप हो जाती है और ये सेल्स एक कंसेंट्रिक रिंग बनाती है। ये देख पा रहे हैं कंसेंट्रिक रिंग है सेल्स, ये वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम, इसके बाहर एक रिंग बन गई, मोर देन टू और थ्री और फोर लेयर्स होते हैं, कई लेयर्स होती हैं सेल्स की, इसे बोलते हैं ब्रेयर मैन, ब्रेयर मैनर में ये सेल यहां पर अरेंज मींस। देखिए ब्रेयर मैनर में कौन सी सेल, ब्रेयर मैनर में जो सेल है वो है बंडल सीथ सेल अरेंज इन कंसेंट्रिक रिंग, चारों तरफ से कंसेंट्रिक रिंग अराउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल।
वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीट सेल की एक कई कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, और इससे ये फायदा होता है कि ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है ब्रेथ मैनर में अरेंज होने से। दूसरा इसमें जो आउटर सेल्स होती है, ये देखिए ये बाहर की साइड में सेल्स है, ये जो आउटर सेल्स होती हैं, इन आउटर सेल्स को नाम ये देखिए ये आउटर एपिडर्मिस है, ठीक, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो सेल है इन सेल को नाम देते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल जो होती है, इस मेसोफिल सेल इमेजिन करें कि ये मेसोफिल सेल, दिस इज मेसोफिल सेल। इस सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर इमेजिन करें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसको बोलते हैं ग्रैनर क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनर क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनर क्लोरोप्लास्ट का मतलब है इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रैनल प्रेजेंट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका साइज छोटा होता है, बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेना, सो कॉल्ड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, याद रखें। और यहां पर ये जो ग्रेना है ये स्मॉल स्मॉल ग्रेना, साइज इनका छोटा। दूसरी तरफ जो बंडल सी सेल होती है, इन बंडल सी सेल का अरेंजमेंट देखें क्या होता है, कि जैसे ये बंडल सी सेल है, बंडल सी सेल जो क्रैंक एनाटॉमी है, इनमें जो बंडल सी सेल होती है एक कंसेंट्रिक रिंग में अरेंज होती है, पहली बात तो। दूसरा इन सेल में देखिए एक और क्या होता है, थिक वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल है ना ये देख पा रहे हैं ये थिक होती है, थिक सेल वॉल है। थिक सेल वॉल होने से क्या फायदा होता है, इम्परवियस फॉर गैसेस, गैसेस के लिए इम्परवियस होता है, इससे गैसें एक तरह से गैसों का ट्रांसपोर्टेशन या गैसों का परमेबिलिटी, गैसों के लिए परमेबिलिटी नहीं होती है। थर्ड एडेप्टेशन ये होता है इन सेल के बीच में, देखिए इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम है, मीन्स इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट, सेल्स बहुत पास पास होती हैं। अब ये जो बीएससी बंडल सी सेल देखिए, थिक सेल वॉल है ये, और अब इनके अंदर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये इनका क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे हैं ये ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट तो है, बट इसके अंदर ग्रेना नहीं है। जहां ग्रेना नहीं होगा वहां पर डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन किसमें होगी, ग्रेना में। तो आप देखिए यहां से एक नया क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल है इसके अंदर होगी लाइट रिएक्शन और इसके अंदर होगी डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल। तो मेसोफिल सेल जो होती हैं, इन मेसोफिल सेल के अंदर अपन देखें तो कौन सी साइकिल होगी, C4 साइकिल। दूसरा बंडल सी सेल जो होती हैं, ये एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर होती है C3 साइकिल, मीन्स C4 प्लांट में
C4 साइकिल तो होगी ही, लेकिन साथ में C3 साइकिल तो सारे प्लांट में होती है, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, तीनों में C3 साइकिल होगी, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज तो C3 साइकिल में होता है। अब ये जो एडेप्टेशन हुआ, दूसरी एक और हालत कि जो यहां से एक और बात सामने आ गई कि जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें, क्लोरोप्लास्ट इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है डाइमॉर्फिक। एक डाइमॉर्फिक का मतलब देखिए, डाइमॉर्फिक मीन्स दो फॉर्म होंगे क्लोरोप्लास्ट में, डाइमॉर्फिक मीन्स डाइमॉर्फिक वर्ड मीन्स दो टाइप से आया, एक आया ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ए ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट। अभी आपने देखा ग्रैनुलर किसके अंदर है, इन मेजो फिल्म सेल, और ये ग्रैनुलर किसके अंदर है, इन बंडल सीट सेल, शॉर्ट में नाम देखिए मेजोफिल सेल और बंडल सीट सेल। दूसरा एडेप्टेशन क्लोरोप्लास्ट का C4 प्लांट। अब अगला जो एडेप्टेशन C4 प्लांट में हुआ वो हुआ लैक, मीन्स इनमें नहीं पाई जाती लैक फोटो रेस्पायरेशन, इनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन एक्चुअल में क्या होता है, वेस्ट प्रोसेस होती है, तो ये फोटो रेस्पायरेशन इनमें नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इन प्लांट में ये जो एटमॉस्फेयर है, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन का, वो एटमॉस्फेयर कैसा है, हाई टेम्परेचर वाला है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला है, और CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला है, तो इन प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होने से, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होने से, लैक होने से क्या फायदा हुआ, क्या एडवांटेज हुआ, इन प्लांट में जो प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल देन C3 प्लांट से इनकी प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल हो गई, ट्वाइस हो गई। ट्वाइस होने की एक वजह क्या थी, इसकी वजह क्या थी, कॉज क्या था, कॉज ये था क्योंकि यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, मीन्स मैक्सिमम CO2 एंड मिनिमम H2O लॉस, वाटर लॉस कम हो रहा है और मैक्सिमम CO2 अवेलेबिलिटी, इन दोनों की वजह से प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल हो गई, ट्वाइस हो गई, पर इन सब के पीछे क्या वजह थी, फोटो रेस्पायरेशन का एब्सेंट। ये एडेप्टेशन इन C4 प्लांट फॉर द C4 पाथवे, दिस C4 पाथवे वाज डिस्क्राइब्ड बाय द हैच एंड स्लैक। अब इस पाथवे की जो मैकेनिज्म, इसमें एक बात और आती है कि देखिए ये कौन सी सेल है, ये मेजोफिल सेल है, यहाँ पर ये कौन सी सेल है, ये बंडल सीट सेल है, दोनों सेल आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, बोथ सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय, देखिए ये किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं, यहाँ पर ये कौन सी सेल है, मेजोफिल सेल, ये बंडल सीट सेल है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और ये इंटरकनेक्शन होता है प्लाज्मो डेस्मेटा, तो ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड, ये वाला जो कनेक्शन है प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा द्वारा इंटरकनेक्टेड होती है, इनको अपन अभी आगे देखने वाले हैं। अब ये जो एडेप्टेशन हुआ C4 प्लांट में फॉर C4 पाथवे, और C4 प्लांट मीन्स अपन ने देखा सवाना फॉरेस्ट के प्लांट में एक तो इनकी लीव्स होती है, उनमें स्पेशल एनाटॉमी डेवलप हो जाती है, क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है
ये जो लीव है, इस लीव्स के अंदर जो मेजोफिल सेल होती हैं वो बाहर की साइड में होती हैं, अंदर की साइड में बंडल सीड सेल होती हैं। ये बंडल सीड सेल बीएससी या मैंने यहाँ पे उनको, और बंडल सीड सेल की कई रिंग होती हैं, उससे ब्रेथ मैदान में अरेंज होती हैं। बंडल सीड सेल की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो थिक होती है, जिससे गैसों के लिए इम्परवियस होती है सेल। इंटर सेलुलर स्पेस बहुत मीन से बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होती हैं। साथ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखें कि ये जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होता है, मींस ग्रेनल एंड एग्रेनल। ग्रेनल किसके अंदर होता है ये याद रखना है आपको, ये होता है मेजोफिल सेल में और एग्रेनल इन द बंडल सीड सेल। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट, ये आखिर मैकेनिज्म कैसे होती है सेल। तो एनसीईआरटी में भी आपके लिए डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आप एनसीईआरटी में भी फोकस कर सकते हैं। जैसे चलो अब दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ सी फोर साइकिल की, हेक्सलेट साइकिल की मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए पहला स्टेप इसमें क्या था, नंबर वन एडेप्टेशन इन C4 प्लांट। अब इस एडेप्टेशन के बाद इनमें दूसरा है स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ द C4 साइकिल। तो मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल में दोनों सेल इन्वॉल्व होती है, मेजोफिल सेल भी और बंडल सीड सेल भी। अब यहाँ पे मान के चलें, जैसे मान लीजिए ये अपनी यहाँ पर है, ये आउटर, ये सेल मान लीजिए कौन सी है, ये आउटर सेल है, मींस ये है अपनी मेजोफिल सेल, ठीक है, दिस इज द मेजोफिल सेल, ओके सिमेट्री ठीक है, ये प्लांट सेल है चाहे जैसा बना दो चलेगा, बट अपन को तो सेल से मतलब चलेगा ना, यहाँ पे सेल, सेल में अपन देखते हैं कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी सेल वॉल होगी, प्लांट सेल है, सेल वॉल, ठीक है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का भी डायग्राम है, ये सेल वॉल है। अब ये तो एक्चुअल में कौन सी सेल है, ये देखिए ये अपनी हो गई कौन सी सेल, बाहर वाली सेल, मींस बाहर वाली मींस मेजोफिल सेल। मेजोफिल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, और ये सेल कौन सी है, दिस इज द मेजोफिल सेल। अब इस मेजोफिल सेल के बाद में दूसरी बंडल सी सेल है, बंडल सी सेल नीचे वाली इसमें देखते हैं अपना। तो इस बंडल सी सेल में ये मान लो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बंडल सी सेल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखें अपन तो इसमें ये इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डायग्राम, सेल वॉल ये तो ठीक है जो भी है, बट यह फोकस करना किस पर है अपन को, ये फोकस करना है अपने को यहाँ पर मेम्ब्रेन्स। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ देखें तो ये पार्ट अपना क्लियर हो गया, जैसे ये चलो यह ठीक, यहां से फोकस कीजिए, ये दूसरी सेल हो गई, ये चला ऐसे। अब यहां आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये क्या किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है बताओ। चलो अभी अपन ने यहां लिखा प्लाज्मो डेस्मेटा, तो प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू इंटरकनेक्टेड होगी, ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मो डेस्मेटा, ये प्लाज्मो डेस्मेटा,
ठीक, ये कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है, ये दो सेल का कनेक्शन, समझ जाना। इसमें ऐसा ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से। अब दो सेल अपन को डिफरेंशिएट होकर क्लियरली आकर दिख पा रहे, ओके, इज इट क्लियर। इसको अब इसमें क्या होगा कि ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल सीथ सेल है, बंडल सीथ सेल। अब इन दोनों सेल में देखिए क्या क्या हो रहा है, डायग्राम से पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी बाहर, यदि अपन देखें इसमें तो ये अपरिपेय गैस होगी, इसमें ये वाली लेयर, ये सेल्स की अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और अपर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टोमेटा, ये ओपनिंग्स है। अब इन स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से ये देखिए क्या आ रही है, यहाँ पर CO2, ये CO2 एटमॉस्फेयर के CO2। तो जब ये CO2 यहाँ आएगी इस सेल में, मेसोफिल सेल में, तो यहाँ पर H2O और ये मिलकर बनाएंगे H2CO3। बाद में ये स्प्लिट हो जाएगा अगेन इनटू HCO3 एंड प्लस H, ठीक है। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले इस फॉर्म में आ गई है, यहां पर CO2 comes as form of HCO3, ये देख पा रहे हैं अपन HCO3 है। अब HCO3 देखिए यहां पर, अब HCO3 का, HCO3 फॉर्म में CO2 का फिक्सेशन होना है किस सबस्ट्रेट के थ्रू, तो यहां पर एक सबस्ट्रेट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ये थ्री कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, थ्री कार्बन, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अब तीन कार्बन, ये फोर्थ एक कार्बन आ गया CO2 का HCO3 फॉर्म में, तो अब यहां पर ये रिएक्शन होगी, मींस इसमें ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, फिक्सेशन ऑफ CO2। तो यहां एंजाइम देखिए क्या लगेगा, PEP प्लस HCO3 मिलकर के यहां पर एक एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और वो एंजाइम होगा PEP, PEP केस, और इसी को बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, ध्यान देना, PEP केज और PEP, PEP कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ बट समझ जाना। PEP केज और PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये दोनों क्या करेंगे, फिक्सेशन ऑफ CO2। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 किस फॉर्म में होगा, तो इसकी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फिक्सेशन ऑफ CO2 मींस ये फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन, ये स्टेप फिक्सेशन कहलाएगा। अब फिक्सेशन के बाद में ये जो थ्री कार्बन प्लस वन कार्बन इजिकल टू फोर कार्बन कंपाउंड बनेगा वो होगा एसिड, वो एसिड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये फोर कार्बन एसिड है। अब फोर कार्बन एसिड देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, फोर कार्बन एसिड यहां पर थोड़ा सा इस सेल को और बड़ा कर लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं। फोर कार्बन एसिड आगे ये कन्वर्ट होगा, फोर कार्बन एसिड कन्वर्ट इनटू एस्पार्टिक एसिड, और इसी को बोलते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड है, ये भी कैसा है, ये भी फोर कार्बन एसिड। तो कन्वर्जन, ये इतना कन्वर्जन किस सेल में हुआ, ये कन्वर्जन हुआ
ये अपनी कौन सी सेल है, मेजोफिल सेल। तो मेजोफिल सेल में जो हुआ वो देखिए क्या क्या हो चुका है मेजोफिल सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझिए। अब दूसरा यहां पर वही सेम कंडीशन है, ये अपनी नीचे वाली सेल कौन सी आ जाएगी, बंडल सीट सेल। तो बंडल सीट सेल ये मान के चले अपनी, ये बंडल सीट सेल है यहां पर, ठीक है, ये बंडल सीट सेल, उसको अपन बड़ा करें। बंडल सीट सेल है तो बंडल सीट सेल में ये आपस में इंटर कनेक्शन होते हैं, और ये इंटर कनेक्शन क्या होते हैं, प्लाज्मो डैश मेटा, ये प्लाज्मा डैश मेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से, ये राइट, ये सेल। अब जो नीचे की सेल थी, नीचे वाली सेल कौन सी अपनी, देखो इस वाले डायग्राम को पहले भी अपन देख चुके हैं, ये मेजोफिल सेल, ये मेजोफिल सेल के नीचे बंडल सीट सेल है, ये बंडल सीट सेल है। अब इस बंडल सीट सेल में क्या हो रहा होगा वो देखिए, बंडल सीट सेल में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए मीन्स ये दोनों सेल का सेपरेशन, ये प्लाज्मा डैश मेटा है। तो अब मैलिक एसिड जो 4 कार्बन वाला होता है इसका होगा ट्रांसपोर्टेशन, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहां, ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ट्रांसपोर्ट होकर के ये आया किस सेल में, बंडल सीट सेल। तो क्वेश्चन बना, जो मेजोफिल सेल होती है उनसे 4 कार्बन कौन सा एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर आएगा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब ये मान लीजिए यहां पर ट्रांसपोर्ट होके आ गया मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये 4 कार्बन। अब यहां होगा डी कार्बोक्सीलेशन, इसका क्या होना है, डी कार्बोक्सीलेशन। तो देखिए डी कार्बोक्सीलेशन से क्या होगा, डीकार्बोक्सीलेशन से मींस इसमें से CO2 अलग होगी, तो डीकार्बोक्सीलेशन होने से इससे सेपरेट हो गई CO2। अब CO2 सेपरेट होने के बाद में इससे देखिए क्या बना, इससे बन जाएगा 3। अब जैसे 4 कार्बन थे इसके, 4 कार्बन में से 1 कार्बन यहां ये आ गया CO2, तो 4 में से अब रिमेनिंग 3 कार्बन बच गए, तो 3 कार्बन एसिड बनता है, 3 कार्बन एसिड होता है अपना पायरुविक एसिड। तो यहां पर इससे बना पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन एसिड। तो 4 में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गई, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और डिकार्बोक्सिलेशन जहाँ होता है उसमें यहाँ खर्च होता है 1 NADPH। Na मतलब डिकार्बोक्सिलेशन में देखें तो यहाँ पर NADPH खर्च हुआ, मीन्स यूज हुआ, कंजप्शन हुआ NADPH, और इसे NADP बना, तो 1 ADP का कंजप्शन हुआ, 1 NADP का कंजप्शन बंडल सी सेल में हुआ डिकार्बोक्सिलेशन में, और 1 NADPH का यूज यह होगा, देखिए NADPH यहां खर्च हो गया इस स्टेप में, तो बन गया इसे NADP। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, बोलो, सो मत जाना, याद रहेगा थोड़ा सा भाई, यदि आप 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे तक फोकस नहीं कर सकते हो, नींद आ रही है, इसका मतलब है आपका फोकस पढ़ाई पर उतना है ही नहीं, वो आपको बोर कर रहा है। तो पहले केस में क्या हुआ था, देखिए जो हुआ है वो दोबारा से देख लीजिए, ये अपर एपिडर्मिस है, ये मेजोफिल सेल है, ये बंडल सीट सेल है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड किसके थ्रू होती हैं, प्लाज्मा डैश मेटा के थ्रू। सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन में जो 3 कार्बन कंपाउंड है PEP,
ये HCO3 फॉर्म में CO2 को फिक्स करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज या PEPK और बनाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4-कार्बन एसिड है। ये कन्वर्ट होता है अगेन 4-कार्बन एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, तो यहाँ पर एक NADPH का यहाँ पर कंजप्शन हो गया और अब उसके बाद में बन गया मैलिक एसिड 4-कार्बन वाला। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होकर किस में जाता है, इन द बंडल सी सेल, और बंडल सी सेल में 4-कार्बन एसिड जो था इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने से सेपरेट होती है CO2। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद है, देखिए यहाँ पे ये जो 3-कार्बन पाइरूविक एसिड ये यहां से इस से दोबारा से यहां ट्रांसपोर्ट होके आता है। ये ट्रांसपोर्ट हुआ है कौन, पाइरूविक एसिड, और ट्रांसपोर्ट होकर के फिर क्या होगा, ये यहां पे कौन आ गया, ये मान के चले यहां ट्रांसपोर्ट होके आ गया पाइरूविक एसिड जो 3-कार्बन वाला। अब इस पाइरूविक एसिड से अगेन क्या बनेगा, इस पाइरूविक एसिड से अगेन बनेगा ये पीपी। पीपी मीन्स फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ये पाइरूवेट है, पाइरूविक एसिड को ही पाइरूवेट कहते हैं। तो इसमें फॉस्फो ग्रुप फिर से ऐड होगा, तो ऐड होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेप में खर्च होते हैं 2 ATP। यहाँ पर 2 ATP यूज होते हैं, ये याद रखिए, और इससे बनता है 2 ADP। तो अब कंजप्शन भी सामने आ रहा है, 2 NADP खर्च हो चुके हैं और 2 ATP खर्च हो चुके हैं यहाँ पर, ये बात समझ आ रही है। अभी टोटल देखेंगे। अब जो CO2 फ्री हो गई थी किस सेल में, मेसोफिल सेल, सॉरी बंडल सी सेल, अब ये CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ एंजाइम होता है रू, यानी कि एक्चुअल में इन प्रेजेंस ऑफ रू बिस्को CO2 को फिक्स करेगा RUBP, और ये यहाँ पर ये जो फिक्सेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, तो रूबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द बंडल सी सेल, और उसके बाद ये CO2 एंटर हो जाएगी किस साइकिल में, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होगा, ग्लूकोज। C3 साइकिल अपन को मालूम है CO2 RUBP मिलके क्या बनाएंगे, 3PG आगे रिडक्शन के थ्रू बनाएगा 3PGL, और बाद में रीजनरेटर होकर अगेन बनाएगा RUBP। तो C3 साइकिल, C4 प्लांट की C3 साइकिल किसके अंदर चलेगी, ये चलेगी फिर मेसोफिल सेल। ये देखिए ये अपनी कौन सी सेल है, मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल के अंदर इस तरह से यहाँ ये मेसोफिल सेल हुई। सेल कैसा भी हो चलेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इसके अंदर चलने वाली स्टेजेस, ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिए। अब आप ये देखो कि C4 प्लांट में मैकेनिज्म कैसे होती है, इस मैकेनिज्म को डायग्रामेटिकली पूरा देख लीजिए, सारा आपके कंसेप्ट आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की CO2 मेसोफिल सेल द्वारा एब्जॉर्ब होती है। अब ऐसा करने से इस बंडल सी सेल को क्या फायदा होता है, इस बंडल सी सेल जहां पर C3 साइकिल चल रही है उसके लिए CO2 कहां से मिलती है, मेसोफिल सेल से, मेसोफिल सेल को एटमॉस्फेयर से लेना पड़ती है। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि जो C4 प्लांट होते हैं, इसको एडेप्टेशन में देख रहे हैं अपन, C4 प्लांट में CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, फॉर C4 प्लांट, इसलिए भी इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वो CO2 प्रॉपर वे में कहाँ से मिलती है, मेसोफिल सेल से। तो CO2 को सबसे पहले फिक्स किया जाता है 3-कार्बन कंपाउंड के द्वारा PEP,
इन प्रेजेंस ऑफ पी पी कार्बोक्सिलेज फिक्सेशन हुआ और जल वैसेलिक एसिड फॉर्म में फोर कार्बन एसिड बना, उसको कन्वर्ट किया गया मैलिक एसिड में, एक NADPH खर्च हुआ, फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के किस में आया, न्यूट्रोफिल सेल से बंडल सी सेल में, यहाँ पर मैलिक एसिड से एक CO2 अलग हुआ, सेपरेट हुआ, डीकार्बोनाइजेशन हुआ, यहाँ पर फिर से एक NADP खर्च हो गया, पाइरुविक एसिड जो रिमेनिंग बचा 3 कार्बन वो ट्रांसपोर्ट होकर अगेन किस में आ गया, इन द म्यूट्रोफिल सेल, और म्यूट्रोफिल सेल में इसका ये स्टेप क्या क्या ये स्टेप कहलाएगा, इस स्टेप को जिसमें ये पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इन फिनॉल पाइरुविक एसिड, दिस स्टेप इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इस स्टेप को क्या नाम देंगे, रीजेनरेशन। तो ये रीजेनरेशन हो गया। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, अगेन ट्रांसपोर्टेशन एंड रीजेनरेशन, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट साइकिल में अब आप देखिए इस साइकिल में कितना इन और कितना आउट हुआ। देखिए C4 साइकिल प्लस C3 साइकिल दोनों है, अपने को मालूम है C3 साइकिल इन द बंडल सी सेल, C4 साइकिल इन द मेसोफिल सेल। अब आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP खर्च होंगे और कितने NADPH खर्च होंगे। देखिए यहां पर अपने को 6 CO2 चाहिए, पहली बार ये 6 CO2 चाहिए, तो 6 CO2 इन हो रहा है, यदि अपन दोनों की बात करें इन और आउट को लेके बात करें C4 साइकिल का इन और आउट, तो यहां पर लिख देते हैं अपन इन और दूसरा आउट, इस जगह का यूज करते, ठीक है। ये जो C4 साइकिल है इसके अंदर कितना कंजप्शन हुआ और कितना आउटपुट आया, तो इनमें 6CO2 इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज, ठीक है। अब दूसरा ये देखिए 18 ATP 12 NADPH, तो 12 तो NADPH और इससे 12 भी NADP बनेगा प्लस H 12H बनेगी, ठीक है 12H। अब बचता है ATP, तो ATP यहाँ पर 18 तो इसमें है, बाकी 2 इसमें एक कार्बन के लिए, तो 6 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2, जैसे यहाँ पर C4 साइकिल में 12 ATP क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन के लिए कितना है 2 ATP और 6 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 2 × 6 इज इक्वल टू 12 ATP, तो यहाँ पर 12 ये हो गए प्लस 18 इज इक्वल टू 30 ATP और 30 इससे बनेंगे ADP प्लस 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज कंक्लूजन ऑफ द C4 साइकिल। वेरी सिंपल दोस्तों।